टाइम बहुत कम है, चल घंटे लगेंगे एक हिसाब से देखें उसको। आज 23 तारीख की निकली है, 24 को माहौल अच्छा है और पॉजिटिव चीजें सामने आ रही, तो उसमें सब अच्छा है। कुछ भी अफेक्टिव पर्सनालिटी है, मतलब मैं पूरा रात वॉच कर रहा हूँ, मतलब सुबह सुबह परसों गिरता है मैं लाइव नहीं करता, कभी पर्सन से मुलाकात नहीं होता, बट डायरेक्टली कहीं की हम दिख जब लोग अच्छी बात। उसके बाद आप राजस्थान विजिट किया, 3 साल इन्होंने लगातार मिल कहीं ब्रेक नहीं लिया। जिस साइड आदमी का इंटरेस्ट होता है उसको उस तरफ जाना चाहिए,
जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 19 में मेरी लॉ कंप्लीट थी, 5 ईयर लॉ BA LLB करके कोर्स है जो प्रोफेशनल कोर्स। इलेक्शंस में कहीं ना कहीं एक शौक था कि पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ करूं। जो मैंने चीजें फेस की है वो मेरे आने वाले जो छोटे भाई है वो फेस कर, एक बदलाव कैसे ला सकते हैं, क्योंकि साहब आज की तारीख में भगत सिंह सबको चाहिए पर अपने परिवार में कोई नहीं चाहता। चुनाव लड़ने के लिए जब बात आई आगे आया, मेहनत करने लगा, 3-4 दिन मेहनत, 3-4 महीने जब मेहनत की और उसके बाद में 14 अगस्त की रात मेरा टिकट कटा। एक टूट सा जाता है, आप कई बार जब पूरा टाइम देते हो, 2-3 साल तैयारी करते हो किसी चीज की और एकदम से आपको पता चलता है कि आप एक नंबर से रह गए तो कैसा फील होता है, आप सोचो एक बार। वैसा फील होता है, मतलब वाकई जमीन निकल जाती है पांव के नीचे। ऐसा दौर आया, सबसे पूछा क्या करूं कैसे करूं, आगे आया आप सब भाइयों का मुझे साथ मिला, सहयोग मिला। 27 अगस्त को चुनाव थे, 28 अगस्त को रिजल्ट आया और 57 साल के इतिहास में पहली बार मैं निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुनाव जाने का। कई बार ऐसी सिचुएशन आपके आगे भी आई है, जिंदगी बड़ी लंबी है, आज कल क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा लगता है कि सब चीजें हाथ से निकल गई पर फिर भी अगर आप डट के रहोगे तो जीतोगे और मेहनत करोगे तो पार लगाओगे। भैया मेहनत आपको करनी होगी, पसीना आपको लाना होगा। उस समय भी मुझे ये लगा था भैया अपने साथ में तो कोई है नहीं, कैसे करेंगे, पर हिम्मत की तो पार गया। 3 साल का टेन्योर मिला, लोगों को मुश्किल से 1 साल का नहीं मिला, जैसे कि अभी अशोक जी साहब ने बताया कि कोविड का टाइम मिला, 3 साल में काम करने के लिए खूब सारे मौके मिले, कोई फर्क नहीं। सब तरीके की जो यात्राएं होती है, सब तरीके के दबाव होते हैं वो मेरे साथ, और भूख हड़ताल में बैठे। आप सोचो कि एक आदमी जो दिन में 4 टाइम जीतता है और वो भूख हड़ताल में बैठे, क्यों, क्योंकि साहब हमारे जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपने से उम्मीद लगा लेगा कि भैया अपने 57 साल के इतिहास में पहली बार किसी निर्दलीय को वोट देकर जिताया और अब भी उम्मीद नहीं करेंगे तो करेंगे किसे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई बड़ी पावर नहीं थी मेरे साथ, स्टूडेंट तो थे उनको भी तो फेस करना था। आज जब मेरे कल परसों ऑफिशियली जब नॉमिनेशन की डेट आई, नॉमिनेशन से 1 दिन पहले मेरी जो प्लेट थी वो मैंने छोटा के चरणों में समर्पित की और मैं आपसे निवर्तमान पूर्व संघर्ष करता हूँ और आज की तारीख में अगर मैं आपसे फेस कर रहा हूँ या आप लोगों से 5 से 8 में आके बात कर रहा हूँ तो उसका कारण यही है कि 3 साल में भैया जो संघर्ष किया है वो मैं कह सकता हूँ कि भैया मैंने किया है। बदलाव लाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दबाव कई तरीके का है, हर तरीके के दबाव से, और जब उस भर्ती से निकलोगे ना तो एक आनंद अलग है। 3 साल काम करने के बाद तो कोई ये नहीं कह सकता कि भैया ये आपने नहीं किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको कई सारी चुनौतियां होंगी, ये तो अभी शुरुआत है। कई बार क्या होता है कि मेरे छोटे भाई बहन जो होते हैं वो टर्म टेस्ट होते हैं उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं तो टेंशन होने लगता है कि भैया ये क्या हो। कई बार थोड़ा ऊपर नीचे कोई हो जाता है तो घबराने लगते हैं। आजकल की यूथ बहुत ज्यादा वैसे कहकर अपने धैर्य को रख सकते, धैर्य नहीं रख सकते। 3 साल पूरे धैर्य के साथ मजबूती से काम, अब कम बोल रहा क्योंकि मारवाड़ का आदमी हूं, मारवाड़ी में बात करना ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि जहां एक तरफ वेस्टर्न कल्चर ज्यादा आ रहा है उस तरफ मेरी लैंग्वेज, मेरा जो यहाँ का जो कल्चर है मैं उसको फॉलो करना मैं थोड़ा ठीक समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस। कई बार लोग कहते हैं कि भैया मारवाड़ी बात करो, उनको मैं कहता हूँ भाई BA LLB से पास आउट हूँ, JNU का सबसे प्रोफेशनल कोर्स है और उसके बाद मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ तो इसलिए कि मुझे अपनायत की फील आ। हिंदी इंग्लिश तो आप मेरे साथ चले कोई ढंग भी ना पढ़ लिख रहे हैं, गाँव भी ना जाए गए है चार डोकरों बैठे और हिंदी इंग्लिश में बात करने लगे तो हमेशा जड़ों में जुड़ रहे हो। अच्छा
कई सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम मस्त और काम कर रहे, आपको सब पढ़ाई कर लिया हुआ, आप सब शुभकामना। मैं तो पढ़ाई वगैरह ठीक है, डिग्री कर रही होगी, मैंने भी कहा भारी रोगी लाग रही होगी, संघर्ष कर रहे हो आप, मतलब हर कहना है कि जदे आपको संघर्ष आप लक्ष्य जदे आप तय कर लो तो आप संघर्ष करो, आप जदे क्या जदे मैदान में उतर ही गया तो हमें ओपनी मातो दी तो धक्का हो गया, बस आज तक जदे पहले से खाते आया नहीं रहा हो तो हमें जितो जी तोड़ मेहनत करो तो ही काम रह जाएगा। कॉम्पिटिशन आज में हर जगह प्रयास आप करना पड़ा है, मेहनत आप ना करनी पड़ा है, जितनी भी फैकल्टी है मैं तो दुनिया की कोई ताकत को नहीं जिसको रोक सके, कोई भी परिस्थिति आए तो फिर हंसते हंसते कहते हैं आओ कर ला दो, मेहनत आप ना करनी, हिम्मत आप ना करनी, आप ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिला तो अशोक जी साहब और हनुमान जी गुरु सपोर्ट करी, ये बात है जदे कदे भी जिंदगी में कोई भी दौर मिला थाना या लागे की थाना भाई रविंद्र की जरूरत है, आप आधी रात रहो कर भाई उज्ज्वल भविष्य शुभकामना लगभग डॉक्टर बने सर और अपने सिंह जी ने जो कहा कि अपने करियर के लिए भी दोस्त बना के रखे, और जब अगली बार ये यहाँ पे गेस्ट के तौर पे बना रहे तो आपकी फोटो यहाँ दीवार पे लगी हुई होनी चाहिए, और जो अभी 9 से 2021 आ रहा उसके लिए कमर सॉरी 2022 उसके लिए कमर कसले तैयार रहे, उसके लिए हाउस द दोस्त, हाउस द दोस्त, थैंक यू सर। तो सभी का हार्दिक स्वागत है, जैसे हार्दिक आभार।